22 अगस्त को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन त्योहार के लिए इन दिनों बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजे हुए हैं। आधुनिकता के दौर में तरह तरह की राखियों के बीच हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के नाहन में महिलाएं इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं की आर्थिकी सुदृढ़ करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ये पहल शुरू की गई है। महिलाओं द्वारा बांस को छीलकर इसके अंदर की लकड़ी को आकर्षक डिजाइन दिया जा रहा है। बाद में इसकी सजावट के लिए भिंडी और सरसों के बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम बांस का काम करते हैं, जैसे कि हम रखते हैं बांस की, और इससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो रही है। पिछले साल भी हमने किया था और पिछले साल से अब के हमने बहुत अच्छा किया है, और हमें बाहर से भी ऑर्डर आ रहे हैं। सरसों के सीड्स और भिंडी वगैरह के सीड्स को मतलब इस्तेमाल किया है, और हमने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, और भी हमने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं जिनका मतलब अभी तक कोई वो नहीं है। मतलब आप अगर हमें आगे तक आप हमारी मतलब हमारा सहयोग करेंगे तो हमारा जो ये है प्रोडक्ट बनाने का जो काम है वो थोड़ा आगे तक जा सकता है, और हम सरकार से ही अनुरोध करते हैं कि हमें थोड़ा और सहयोग दे ताकि हमारा काम थोड़ा और आगे तक बढ़े। समूह की महिलाओं का कहना है कि सरकार के इस प्रयास से उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने का अवसर मिला है। बहुत अच्छा अवसर दिया है सर जी, इसमें हम महिला को थोड़ा जागृत होना चाहिए, थोड़ा तभी पता लगेगा अगर थोड़ा बहुत काम करेंगे इसमें, ऐसे तो पता नहीं लगेगा सर। मैं आशा ग्रुप से हूँ, और हमने बैम्बो की ट्रेनिंग ली है, इसे हम राखी बना रहे हैं, और हमारे पास बाहर से भी ऑर्डर आए हैं राखी के लिए, और हमारा ग्रुप बहुत अच्छा चला है। नाहन के खंड विकास अधिकारी अनूप शर्मा का कहना है कि महिलाएं इको फ्रेंडली राखियां बना रही हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। सभी स्वयं सहायता समूहों को जो कि हमारे पास रजिस्टर्ड है उन्हें हम स्टार्टअप फंड देते हैं 2500 रुपये, जिससे वो अपना जो ग्रुप है समूह है उसको चलाने के लिए जो उनको रजिस्टर्स और दरीगर की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। NRLM के अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत वो अभी राखी के त्यौहार पर इको फ्रेंडली राखियां बना रही हैं, जिनमें बांस का प्रयोग किया जा रहा है, और ये राखियां जो हैं वो 15 अगस्त से लगातार DRDA परिसर में राखी के त्यौहार वाले दिन तक बेची जाएंगी। कुल मिलाकर इस महिला समूह ने इको फ्रेंडली राखियां बनाकर न केवल नई पहल की है, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ रही हैं। DD News के लिए नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।